हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हमारे पास एक टूट की तरफ से एक और स्मार्टफोन आ चुका है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि टूट पे कैसा फ़ोन मिलता है। तो गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स है, कुछ इस तरह से पैकिंग रहती है टूट की। तो बॉक्स तो काफ़ी अच्छा दिया गया है, पूरा चारों तरफ से एकदम सील्ड है। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर फ़ोन हमें कैसा मिलता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से टूट की पैकिंग रहती है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है, हमें कैसा मिला है। तो मैं पेन की मदद से इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस, देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से पैकिंग है गाइस। तो गाइस, हमारा बॉक्स ये ओपन हो गया है, थोड़ा सा इसको कट करते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरह से पैकिंग थी इसकी, अंदर हमें बॉक्स मिला है। तो गाइस, इस देख सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं है, इसको साइड में रखते हैं अभी। तो गाइस, देख सकते हैं बबल रैप में पैकिंग हुई है इसकी, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसका ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। तो गाइस, आई होप अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरह से है गाइस, देख सकते हैं आप, ये बबल रैप में दिया गया है। और देखते हैं, तो गाइस देख सकते हैं एकदम टोटल न्यू बॉक्स मिला है हमें। नीचे एक कार्ड मिला है जो कि वारंटी कार्ड है, ये 6 महीने का वारंटी कार्ड वारंटी मिल जाता है गाइस इसमें, लाइक न्यू वाले कंडीशन में। मैंने जो मंगाया है ये लाइक न्यू कंडीशन में है, रेडमी नोट फाइव प्रो एकदम लाइक न्यू कंडीशन में मंगाया मैंने गाइस। और ये बिल है, इसको साइड में रखते हैं, बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। तो एक्चुअल फ़ोन देखते हैं, तो देख सकते हैं गाइस एकदम अच्छे से पैकिंग की गई है, एकदम ब्रांड बॉक्स मिला है मुझे, तो लाइक न्यू कंडीशन में मैंने ऑर्डर किया था, तो एकदम पूरा न्यू है गाइस। देख सकते हैं बॉक्स मुझे ओरिजिनल मिला है। बाकी अंदर देखते हैं अंदर क्या मिलता है, और बाहर से तो सब ठीक लग रहा है, एकदम न्यू लग रहा है बॉक्स। तो मैं इस आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि मैंने ये कौन सा वाला वेरिएंट मंगाया था। तो देख सकते हैं, मैंने गोल्ड कलर में 4GB 64GB वाला मंगाया था, और ये वही दिया गया हमें। और इसका स्नैपड्रैगन 665 है प्रोसेसर, और 4000mAh की बैटरी है इसकी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सब कुछ अच्छा है इसका गाइस। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से सील्ड है ये, एकदम ऐसा लग रहा है कि ब्रांड न्यू फ़ोन है, कोई ये सेकंड हैंड नहीं लग रहा है। ये टू गुड से मंगाया है मैंने, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये टू गुड का फ़ोन है, ये तो एकदम न्यू लग रहा है। तो इसको भी कट कर लेते हैं पेन की मदद से, फिर देखते हैं अंदर हमें कैसा फ़ोन दिया गया है। बॉक्स तो एकदम अच्छा है, फ़ोन भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा गाइस। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकिंग है, ये हटाते हैं साइड में और फिर देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमें टूट की सील मिल जाती है, दोनों साइड में टूट की सील मिल जाती है हमें, कुछ इस तरह से रहती है। बाकी इसको सील को हटाते हैं गाइस, तो इस तरह से इसको, इस सील को निकाल सकते हैं आप आसानी से एकदम। तो देख सकते हैं एकदम आसानी से निकल रहा है, दूसरे साइड से भी निकाल देते हैं गाइस। तो गाइस, देख सकते हैं हमारा सील ब्रेक हो चुका है एकदम पूरी तरह से, देख सकते हैं। अभी इसको ओपन करते हैं बॉक्स को, देखते हैं अंदर फ़ोन हमें कैसा मिला है। निकल जा भाई। तो ये ऐसे निकलेगा। तो गाइस, देख सकते हैं सबसे ऊपर पहले रखा हुआ मिल जाता है हमें फ़ोन, जिसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों, एकदम न्यू लग रहा है देखने में। देख सकते हैं गाइस, एकदम टोटल न्यू लग रहा है फ़ोन, कहीं से भी कोई स्क्रैच तो नहीं दिख रहा है,
कहीं से भी कोई जूना नहीं दिख रहा है, ये एकदम न्यू दिख रहा है फ़ोन, एकदम टोटल न्यू दिख रहा है गाइस। चलिए फ़ोन को तो रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में, अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। तो एक पहले डेटा केबल मिल जाता है गाइस, जो कि ओरिजिनल तो नहीं है, ये डुप्लीकेट डेटा केबल है गाइस। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन से कंपनी का है, ओरिजिनल तो नहीं है गाइस ये। तो देख सकते हैं मोरबल कंपनी का है ये गाइस डेटा केबल। छूने से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बाकी देखते हैं चार्ज करने के बाद पता चलेगा कैसी क्वालिटी है। फिर अंदर मिल जाता है हमें गाइस एक अडाप्टर, आई थिंक अडाप्टर ओरिजिनल है गाइस। देख सकते हैं सावी का अडाप्टर है, 10 वॉट का अडाप्टर है, तो ये अच्छा है कि ओरिजिनल अडाप्टर दिया है। इसमें एक बारकोड भी दिया गया है तो अच्छा है। डेटा केबल की क्वालिटी ठीक लग रही है, पर डुप्लीकेट डेटा केबल है। तो चलिए देखते हैं, बाकी फ़ोन हमारा अच्छा होना चाहिए, चार्जर तो हम कहीं से भी बाय कर सकते हैं गाइस। देखने से तो ठीक लग रहा है क्वालिटी, पता नहीं चार्ज करने के बाद पता चलेगा गाइस। तो देखते हैं फ़ोन को, तो फ़ोन देख सकते हैं गाइस एकदम टोटल न्यू लग रहा है, एकदम आगे से भी पूरा एकदम न्यू है। और यहाँ पे एक इजेक्टर पिन भी मिला है गाइस, तो इसको साइड में रखते हैं। तो पॉलीथीन को ओपन करते हैं, फ़ोन निकालते हैं इसमें से। तो गाइस देख सकते हैं फ़ोन को, फ़ोन एकदम टोटल न्यू है गाइस, कोई स्क्रैच नहीं है, है शायद एक स्क्रैच है गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा डेंट है गाइस। आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, मैं आप लोगों को पेन की मदद से दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डेंट है गाइस, छोटा सा डेंट दिया गया है गाइस, बाकी सब कुछ तो एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एकदम क्लीन दिख रहा है एकदम, और कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं है। आगे की साइड में भी देख सकते हैं गाइस, फ्रंट के साइड में भी कोई स्क्रैच नहीं है, एकदम पूरा टोटल न्यू लग रहा है ये, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेकंड हैंड फ़ोन है गाइस। नीचे से देख सकते हैं एकदम न्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं है गाइस। ऊपर भी देख सकते हैं एकदम क्लीन है, तो कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं है गाइस, इसमें एकदम क्लीन है फ़ोन, अपना फ़ोन कहीं से भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं। फ़ोन को बूट कर लेते हैं गाइस, बूट करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बैटरी चार्ज है, ऑन हो रहा है फ़ोन, देख सकते हैं। तो फटाफट से इसको सेटअप कर लेते हैं गाइस। तो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मैं टूल्स एंड अनबॉक्सिंग वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी लाता हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस इसमें फिंगरप्रिंट ऐड करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट है इसका, तो इसमें पहले हमें पिन डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा हमें। तो पिन डाल लेता हूँ मैं, फिर फिंगरप्रिंट ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ फिंगरप्रिंट वर्किंग है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड डाल देते हैं, फिर एक बार डालना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट आ गया है। तो यहाँ पे टच करते हैं तो देख सकते हैं गाइस आसानी से, एकदम आसानी से ये फिंगरप्रिंट ले रहा है गाइस, फिंगरप्रिंट एकदम वर्किंग है, हो गया देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुल हो गया फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट इसका वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो यहाँ पे थीम चूज़ कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली गाइस अब हम अपने होम स्क्रीन पे आने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं हम अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं, तो कुछ इस तरह से दिखता है सेटअप होने के बाद। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये फंक्शन वगैरह, तो एकदम टोटल न्यू दिख रहा है गाइस फ़ोन, हमें कहीं से भी पुराना नहीं दिख रहा है। ब्राइटनेस भी देख सकते हैं आप, इतना अच्छा है इसका, देख सकते हैं गाइस। तो इसमें डिस्प्ले ओरिजिनल है तभी इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है गाइस, अगर डुप्लीकेट डिस्प्ले होता तो ब्राइटनेस में दिक्कत आती, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ओरिजिनल डिस्प्ले है। तो आई थिंक फ़ोन हमें न्यू ही दिया गया है गाइस, देख सकते हैं आप। आपको सेटिंग में चल के दिखा देता हूँ कि अंदर हमें कैसा मिलता है, कौन सा वाला वेरिएंट हमने मंगाया है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो देख सकते हैं गाइस इसका अबाउट फोन में,
तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो देख सकते हैं मॉडल नंबर वगैरह देख सकते हैं गाइस क्या है इसका, तो कुछ इस तरह का है। तो आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, तो मैं आपको इसकी स्टोरेज दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ 52 GB अवेलेबल है हमें, 64 GB में से 52 GB अवेलेबल है। तो गाइस कुछ इस तरह से है फ़ोन, 4 GB 64 GB मैंने मंगाया था और वही हमें दिया गया है गाइस। तो बाकी फ़ोन तो बहुत अच्छा है, देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है गाइस, बहुत ही अच्छे से फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं मैंने दम लगाया और खुल गया, देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं अभी लगाया और देख सकते हैं खुल गया, लगाया और खुल गया, देख सकते हैं गाइस बहुत आसानी से फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है ये। तो इसका कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरा कैसा दिया गया है हमें इसका। तो देख सकते हैं कैमरे की क्लियरिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फोकसिंग भी अच्छी है इसकी। फ़ोटो क्लिक करते हैं तो देखते हैं फ़ोटो कैसा है, अलाउ। तो गाइस देख सकते हैं फ़ोटो जूम करने के बाद भी कितना अच्छा दिख रहा है गाइस, इतना क्लियर फ़ोटो आया है गाइस, देख सकते हैं फ़ोटो में कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कैमरा एकदम एक नंबर है, कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा बहुत ही अच्छा है। एक बार इसका एक कार्ड का खींच के देखते हैं कि इसमें कैसा आता है फ़ोटो। तो क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस इसका, नोट 5 प्रो का, रेडमी नोट 5 प्रो का कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है गाइस, देख सकते हैं एकदम हमें फ़ोन टोटल न्यू मिला है गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो गाइस फ़ोन बहुत अच्छा मिला है, आप भी टॉगुड से अगर फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये ख़रीद सकते हैं। ये छोटा सा डेंट दिया गया है गाइस, बाकी फ़ोन पूरा न्यू है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे। तो इसका रिव्यू वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, तो आपको बिल दिखा देता हूँ गाइस इसमें कि हमें कितने किस प्राइस में पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं 78 इसमें इतने में पड़ा है हमें गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ गाइस आप लोगों के लिए। और थोड़ा कमेंट कीजिए गाइस, मोटिवेशन दीजिए, थोड़ा कमेंट करेंगे तो मुझे और मोटिवेट मिलेगा कि मैं वीडियो और भी बनाऊँ। कौन से फ़ोन की अनबॉक्सिंग आगे चाहिए आपको वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चलते मिलते हैं किसी नई वीडियो में।